शहर में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को इंदौर के ऊषानगर में एक कपड़ा व्यवसायी के यहाँ दिन दहाड़े सनसनीखेज डकैती की वारदात हो गई। 6 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घर के सदस्यों को बंधक बनाकर वहां से लाखों का माल लूट ले गए। घटना व्यवसायी लोकेश चोपड़ा के अन्नपूर्णा थाना इलाके के स्थित उषा नगर में हुई। उनके घर में 6 नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने महिला सदस्य रोहिणी व 2 अन्य सदस्य के साथ नौकरानी को हथियारों के दम पर बंधक बना लिया। व्यापारी लोकेश ने बताया कि बदमाशों ने 3 साल के पोते को अपने काबू में ले लिया और उसके सिर पर बंदूक अड़ाकर धमकाया कि बताओ माल कहाँ है। इसके बाद सभी को हाथ पैर बांध कर मुंह पर टेप चिपका कर बाथरूम में बंद कर दिया। बदमाश करीब 50,000 नगद, 15 से 20 तोला सोना आदि माल लूट कर भाग निकले। सूचना पर SP महेश चंद्र जैन सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पूरे शहर में नाकेबंदी की गई है। फिलहाल अभी कोई सुराग नहीं मिला है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे घर के अंदर घुस गए। मेरी बहू का फ़ोन आया कि इस तरीके से गन लेके 6 गुंडे 6 बदमाश आए हैं। उन्होंने आते ही गन लगा दी मेरे पोते के सर पे और उनसे पूछा माल का माल बता दो नहीं तो हम इसको जान से मार देंगे, सबको मार देंगे। आते ही उन्होंने सबके हाथ पांव बांध दिए, मुंह पे टेप लगा दी, सब कुछ करके उनको बाथरूम में बंद कर दिया और जो माल था वो लेके चले। क्या-क्या 40 से 50 हज़ार रुपये नकद है, 15 तोला गोल्ड है, बाकी अभी पुलिस को हमने वो लेने हैं प्रिंट, इसलिए हमने चेक नहीं किया। और भी ज़्यादा कोई नुकसान हुआ होगा वो चेक करने में मालूम पड़ेगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लोकेश चोपड़ा। आप क्या करते हैं? कपड़े का काम है, कपड़ा मार्केट।